अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक सवाल आया है कि अहले जन्नत की ज़बान कौन सी हो, तो अहले सुन्नत का मैं आपको मौक़िफ़ बयान करता हूँ कि हमारे यहाँ तो यही है कि अहले जन्नत की ज़बान अरबी ज़बान होगी। अरबी ज़बान हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम की ज़बान भी है। चुनाचे ख़ातमुन नबीयीन साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम का फरमान दिल नशीन है कि अहले अरब से तीन वजह से मोहब्बत करो, एक के मैं अरबी हूँ, दूसरा के कुरान मजीद अरबी में है, और तीसरा अहले जन्नत का कलाम अरबी में होगा। इस रिवायत को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक इमाम हाकिम में रिवायत किया है, हदीस नंबर 7081 के तहत। गो के आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं, लेकिन दरअसल वो उनका ताल्लुक आपको ज़्यादातर ये वही लोग मिलेंगे जो सलफ़ी वहाबी अहल हदीस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके यहाँ इस रिवायत का रद्द है, वो कहते हैं कि इस रिवायत को हम नहीं मानते, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिही वसल्लम ने इस तरह का कोई तायुन नहीं फरमाया, और वो इस रिवायत के रावियों पर कलाम करते हैं। और फिर एक बहुत बड़ी तफसील है, उस पर मैं नहीं जाता, लेकिन ये एक इख्तलाफ आपको सुन्नी हजरात में मिलेगा कि अहले सुन्नत के यहाँ तो ये हदीस है, इसी पर वो कालबंद है, लेकिन वहाँ से आपको एक रिजेक्शन आती है। उस पर भी शायद मुख्तसर थोड़ा सा बात कर लूँ मैं इस दर्स में, लेकिन अहले सुन्नत का मौक़िफ़ हम यहाँ पर बयान करेंगे, और यही हमारा मकसद है कि सवाल ये पैदा होता है कि भाई सबसे अफजल ज़बान कौन सी है। तो अहले सुन्नत के यहाँ ये है कि तमाम ज़बानों में सबसे अफजल ज़बान अरबी है। कुरान पाक भी अरबी ज़बान में नाजिल हुआ, और जन्नतियों की ज़बान भी अरबी ही होगी। हज़रत अल्लामा अलाउद्दीन मोहम्मद बिन अली हसकफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अरबी ज़बान को दूसरी तमाम ज़बानों पर फजीलत हासिल है कि ये अहले जन्नत की ज़बान होगी। बस जिसने इसे सीखा और दूसरे को सिखाया उसे अजर व सवाब मिलेगा। और फिर वह हदीस मुबारक बयान करते हैं कि अहले अरब से तीन वजह से मोहब्बत करो, एक मैं अरबी हूँ, एक कुरान मजीद अरबी में है, और तीसरा जन्नत में जन्नतियों की ज़बान अरबी होगी। इसे दुर्रे मुख्तार में जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 691 पर इनके इस कौल को नकल किया गया है। तो अरबी ज़बान अगर किसी को ना भी आती हो तो इस दुनिया में ज़बान तुम्हें किसने सिखाई है? अल्लाह ने सिखाई है ना, तो उसकी मर्ज़ी, जिसको जिस वक्त जो ज़बान सिखा दे जन्नत में तुम्हें अरबी सिखा देगा। तुम क्यों टेंशन लेते हो कि मुझे अभी अरबी नहीं आती, ये तुम्हारा मसला ही नहीं है। और जो इस रिवायत पर एतराज़ करते हैं वो कहते हैं, क्योंकि वो अल्बानी साहब को मानते हैं, तो वो कहते हैं अल्बानी साहब ने इसे इस रिवायत पर कलाम किया है और इसके रावियों पर कलाम किया है। तो कहते हैं वो उनका मौक़िफ़ है, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है जो मैंने आपके साथ बयान किया। द बॉटम लाइन इज़ के इन मामलात को लेकर आपस में झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जन्नत की ज़बान अरबी होगी तो तुम्हारा रब तुम्हें अरबी सिखा देगा, तुम फिक्र ना करो, तुम टेंशन ना लो। और जन्नत की ज़बान अगर अरबी नहीं है तो जो ज़बान होगी वो तुम्हारा रब तुम्हें सिखा देगा। जिन कामों का ताल्लुक इन मसाइल से होता है, जिनसे तुम पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, उनमें क्यों उलझते हो? मुझे समझ नहीं आता कि हमारे पास इबादात के लिए, अपनी इस्लाह के लिए तो वक्त नहीं है, लेकिन इन मसलों में बहस करने के लिए बहुत वक्त है। तो इसीलिए आपकी इल्म के लिए मैंने दोनों मौक़िफ़ आपके सामने रख दिए, अहले सुन्नत का मौक़िफ़ भी रख दिया और इन हजरात का भी रख दिया जो इब्ने तैमिया को और शेख अल्बानी को मानते हैं। तो बहरहाल हर एक का अपना अपना मौक़िफ़ है, इसमें हमें झगड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ज़बान होगी वो तुम्हारा रब तुम्हें सिखा देगा, तुम फिक्र ना कर, बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।